और बिहार में सातवें चरण की शिक्षक बहाली अगस्त से शुरू हो जाएगी। शिक्षक नियोजन के लिए प्रक्रिया होगी सेंट्रलाइज और घूम घूम कर आवेदन जमा करने से मिलेगी मुक्ति। आपको बता दें कि बिहार में सातवें चरण की शिक्षक बहाली पहले माह शुरू हो सकती है। अब यह साफ हो चुका है कि सातवें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया सेंट्रलाइज होगी, यानी कि अब युवाओं को घूम घूम कर आवेदन जमा नहीं करना पड़ेगा। अभ्यर्थी जिन जिलों के नियोजन इकाइयों के लिए आवेदन भरना चाहेंगे उन्हें उसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। शिक्षा विभाग केंद्रीयकृत आवेदन प्रणाली पर गंभीरता से विचार कर रहा है और जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। वर्ग 9 से लेकर 12 तक के विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह ने ये बातें एक मीडिया में कही है। बिहार में अब तक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज नहीं है। अभ्यर्थियों का आवेदन देने के लिए या तो खुद नियोजन इकाइयों में जाना होता था या उन्हें डाक के जरिए आवेदन भेजना होता था। इसमें काफ़ी समय लगता है, अभ्यर्थियों को काफ़ी समय इसमें लगता था कि वे 200-300 किलोमीटर दूर जहां सीटें होती थी वहां जाकर आवेदन करते थे। यह बहुत ही तनाव देने वाली प्रक्रिया रही और इसकी खूब आलोचना भी हुई। इस बार व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। सातवें चरण के नियोजन के बाद विद्यालयों में शिक्षकों की काफ़ी हद तक कम जाएगी। वहीं अगर हम बात करें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के मुताबिक विभाग की सोच यह है कि काउंसलिंग भले ही नियोजन इकाई से हो लेकिन आवेदन लेने की प्रक्रिया सेंट्रलाइज हो। बिहार में अब तक 5 चरण का शिक्षक नियोजन हो चुका और अभी 6ठे चरण का नियोजन आखिरी दौर में है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के मुताबिक 7वें चरण में आवेदन लेने की प्रक्रिया सेंट्रलाइज होगी। हालांकि काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को नियोजन इकाई जाना होगा। विभाग सेंट्रलाइज आवेदन की दिशा में काम कर रहा है और इस पर जल्द ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। शिक्षक नियोजन में कई नियोजन इकाइयों में धांधली की शिकायत भी देखने को मिली। विभाग की ओर से चुस्ती दिखाने के बावजूद कई जगहों पर बाद में गड़बड़ियां पकड़ी गई। अब विभाग उन तमाम तरह की खामियों को दूर करने की रणनीति पर काम कर रहा है जिसमें गड़बड़ी करने वाले खोज लेते रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों में मैं आपको बता दूँ कि ये बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जहाँ पर कि अब 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है वो अगस्त से शुरू हो गई और साथ ही साथ अब उनको अलग अलग जिलों में फॉर्म भरने के लिए आवेदन देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ऑनलाइन वो एक ही जगह से कहीं के भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नियोजन के लिए फिर उनको वहाँ पे जाना होगा। तो ये जो शिक्षक बहाली से संबंधित लोग हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है।